याद रखें, काम शुरू करने से पहले मुतलका हुक्काम से PTW जरूर हासिल करें। लाइन स्टाफ को चाहिए कि काम शुरू करने से पहले काम की नौइयत और मिकदार को अच्छी तरह समझें, मौका पर मंसूबा बंदी करें और अपने सुपरवाइजर से हिदायत लें। काम के लिए दरकार टूल्स एंड प्लांट्स यानी TNP और पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यानी जाती हिफाजती सामान के बगैर काम ना करें। बिजली की फराहमी मनकता होने की तसल्ली कर लें, सीढ़ी पोल के साथ मजबूती से बांधें और दरमियानी फासला मुनासिब रखें। काम से पहले आरजी अर्थ लाइन के दोनों अतराफ लगाएं। इसके साथ साथ फर्स्ट एड बॉक्स और आग बुझाने के आलात की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाएं। अगर खुदा ना खास्ता कोई कारकुन बरकी सदमे से दो चार हो जाए तो फौरन मुतासरा जगह से दूर ले जाकर इब्तदाई तिब्बी इमदाद दें। पाकिस्तान बापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन, जहां कारकुनों की फलाह बहबूद और उनके हकूक के लिए काम कर रही है, वहीं उन कारकुनों को काम के लिए महफूज और मुनासिब माहौल, मयारी हिफाजती सामान और बेहतर तिब्बी सहूलियात के लिए भी कोशिशें कर रही है। और इस सिलसिले में पाकिस्तान बापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन इंतजामिया से मुजाकरात भी करती है और कारकुनों में शऊर उजागर करने के लिए सेमिनार और वर्कशॉप्स भी मुनक्किद करवाती है। कारकुनों के लिए की जाने वाली इन तमाम कोशिशों के साथ साथ यूनियन ने इन कारकुनों और इनके बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर कायम किए हैं। मेरा नाम समरा जुवेद है, मेरे वाले साहब बाबला इंतरी हैं। ग्रेजुएशन के बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कंप्यूटर ट्रेनिंग हासिल करूं। इसके लिए मैं बापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन और हुशीर अहमद साहब की मशहूर हूँ कि उन्होंने हमें कि उन्होंने मुलाजमीन के बच्चों के लिए ये सहूलतें बगैर किसी फीस के मुहैया। इस इदारे का क़याम जो है बापटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल लेबर यूनियन और पाकिस्तान वर्कर्स फेडरेशन की काविशों का नतीजा है। इस ऑर्गेनाइजेशन का असल मकसद तमाम मुलाजमीन के जो बच्चे हैं उन लोगों को फ्री जो है कंप्यूटर की ट्रेनिंग मुहैया करना है। हमारे लाहौर सेंटर के अलावा दूसरे 7 जगहों पे मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, फैसलाबाद में, लाड़काना में, हैदराबाद में, पेशावर में और मुल्तान में, गुजरांवाला में, और अब तक यहाँ से सैकड़ों जो है स्टूडेंट्स वो फैजियाब हो चुके हैं। दुनिया में लोग सबसे ज़्यादा तवज्जा इंसानों की सेफ्टी पर देते हैं,
और कहा जाता है कि सेफ्टी फर्स्ट एंड देन वर्क, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर पहले काम पे तवज्जो दी जाती है और सेफ्टी का ख्याल बाद में किया जाता है, और जिसके नतीजे के अंदर लोग हादसों का शिकार हो जाते हैं। हादसों का शिकार हो के बिजली के महकमे में हर साल सैकड़ों लोग जो हैं अपनी शहीद हो जाते हैं, और इससे ज़्यादा दुगने लोग जो हैं इस मुल्क के अंदर बिजली का काम करते हुए अपाहज हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये समझते हैं कि लोग मुल्क को रोशन रखने के लिए, लोगों के घरों को रोशनी देने के लिए अपने घर में अंधेरा हो जाता है, और जिनके घर का लाल बिछड़ जाता है, मर जाता है, वो सब उनकी बेवा और बच्चे सारी उम्र जो है रोते रहते हैं और तड़पते रहते हैं। हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर के लोगों की सेफ्टी हो, सेफ्टी कल्चर हो, सेफ्टी एनवायरनमेंट हो, और सेफ्टी के औजार हों और सही औजार हों और क्वालिटी पब्लिक सर्विस हो। और जब तक हम इस बात पे तवज्जो नहीं देंगे कि लोगों की ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग और रिफ्रेशर्स कोर्सेज नहीं हो, और इस बात पर तवज्जो दे ताकि लोगों की सेहत भी अच्छी रहे और ऑक्यूपेशनल हेल्थ और डिजीज का भी ख्याल रखा जाए। हमने सेफ्टी कमेटियाँ तश्कील दी हैं हर सर्किल की बुनियाद के ऊपर, जो कि हर महीने अपनी मीटिंग करती हैं, और हर दो महीने के बाद जो है सेफ्टी सेमिनार जो है मुनक्कद किए जाते हैं, लेकिन मैनेजमेंट की जानिब से हमें ऐसे औजार मुहैया नहीं किए जाते जो कि इस बात का पता चला सके कि बिजली का करंट जो है कितनी दूर है या कितने करीब है। मेरी दरख्वास्त है तमाम लाइन स्टाफ से कि खुदा के लिए काम करते हुए जहाँ काम आप मेहनत से करते हैं, लोगों के घरों को रोशन करते हैं, वहाँ अपनी जान और सेहत का भी ख्याल रखें, और किसी सूरत में भी ऐसी कोई गफलत ना करें जो कि हादसे का सबब बने हो, और अगर कोई उन्हें बगैर इसके हिफाजती तदबीर के काम करने के लिए मजबूर करता है तो यूं उनके मुआहदे के तहत और इंतज़ामिया के मुआहदे के तहत वो काम से इनकार कर सकते हैं, उनका पूरा तहफ़ किया जाएगा। पाकिस्तान वापड़ा हाइड्रोलिक सेंट्रल डिवीजन जहाँ मजदूरों की इज्जत के लिए, जहाँ मजदूरों की मुलाजमत के तहफ़ के लिए, उनके बच्चों की बेहतरी के लिए कोशां है, वहाँ अल्लाह ताला की एक अमानत समझकर मजदूरों की जान और सेहत की हिफाजत की भी जद्दोजहद हिफाजती तदबीर से करना अपना फर्ज मनसबी समझते हैं। हमें अल्लाह ताला कामयाब और कामरान फरमाए। कब तलक अपना कहोगे जानलेवा खतरों को, कब तलक बांटते फिरोगे आंसुओं के कतरों को, कब तलक मिटाओगे अफशां के सितारे, कब तलक लुटाओगे मुस्तकबिल के सहारे, कब तलक निगलता रहेगा मौत का दरिया तुमको, कब तलक बहकाएगा खुद एतमादी का सहरा तुमको, कब तलक आंसू बन के बहते रहोगे, कब तलक गफलतों का दर्द सहते, कब तलक जल्दबाजी के अंधेरों में जियोगे, कब तलक खुद फरेबी का जहर ज़दा जाम पियोगे। आओ फिक्र शऊर मुंतजिर है तुम्हारा, यही है खतरों के समंदर में किनारा। आओ अहद करें ये सारे अब, आओ अहद करें ये सारे अब, बन के उम्मीदों के तारे अब, माँ बाप का होंगे सहारा हम, बहनों की आस का तारा हम, बच्चों का कलम किताब बनेंगे और मुस्तकबिल का ख्वाब बनेंगे, वापडा का बनेंगे इज्जत वकार, सारफ के लिए बस खिदमतगार, खुर्शीद की फिक्र अफकार बनेंगे, नजामानी की गर्ज ललकार बनेंगे, हर जहन पे ये खुदवाएंगे, सेफ्टी के असूल अपनाएंगे, सेफ्टी के असूल अपनाएंगे, सेफ्टी के असूल अपनाएंगे।